जिन्होंने राज्य की ज्वलंत मुद्दा को दिखाने का काम किया है। जिस स्थिति में बिहार सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त होती जा रही है दिन पर दिन। मंत्री को लगता है कैसे लूट खसोट के कैसे रख ले। हम लोग शून्यकाल के माध्यम से भी, क्वेश्चन आवर के भी माध्यम से हम लोग ने बताया है, सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया है जो भाई मिड डे मील की स्थिति बहुत बुरा है, बस से बदतर है जो पटना जिला में अभी हो रहा है। हर एक जगह, चाहे वो किसी भी माननीय सदस्य से पूछ लीजिए, ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऐसे आप पूछिएगा तो सब यही बताएगा जो सरकार से हम बहुत क्षुब्ध है। जिस तरह से बच्चों को मैंने उसका हक नहीं दिया जा रहा है, जो उनके अंश होता है ना, जो बिचौलिए खा जा रहा है, इसलिए जो मिड डे मील है उसमें भारी घपाला है और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल इसका भारी विरोध करती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चा की उपस्थिति के अनुसार मिड डे मील का भोजन मिलना चाहिए। जो एनजीओ लिया है, एनजीओ पर कार्रवाई हुई है, लेकिन कैसे कार्रवाई हुई है? मेरे भी विधानसभा से शिकायत आई है कि कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनमें पोषाहार बंद है, और मैंने कल ही विभागीय मंत्री महोदय को इसकी सूचना दी है। उन्होंने कहा कि मैं तत्काल इसको देखवाऊंगा और जिन भी पदाधिकारी का इसमें कोई शिथिलता होगा उनको मैं कार्रवाई भी करूंगा। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी से जो मैंने यह विषय रखा है और अन्य जगह से भी उनके संज्ञान में आया है, तो हमको लगता है इसकी जाँच हो रही है और जाँचोपरांत कार्रवाई भी होगी। लेकिन कार्रवाई अलग विषय है, पोषाहार तुरंत मिलना चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन ठीक ढंग से हो, ये जो विभाग है समाज कल्याण विभाग उसकी जिम्मेवारी बनती है। तो उसके आला अधिकारी और माननीय मंत्री सभी लोग मिलकर के उसको ठीक से पटरी पर लाएं, ऐसा अनुरोध मैंने भी किया है और आपके माध्यम से फिर मैं पुनः उनको स्मारित कर रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे और जो कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं उनके माध्यम आंगनबाड़ी के माध्यम से उनका पोषण और उनकी शिक्षा, ये सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे मामले अगर संज्ञान में आए हैं तो सरकार निश्चित उसका निराकरण भी करेगी और जिसके कारण आया होगा यह विषय उसका संज्ञान भी लेगी। देखिए, जब कमीशनखोरी पे सरकार चलती है तो मिड डे मील जैसी योजनाओं में लूट खसोट होता है, और अब जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि उनके जिले में लूट है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में लूट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी। देखिए, मिड डे मील योजना में जो लूट खसोट मची है उसका कमीशन राज्य सरकार तक पहुंचता है, मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचता है, और ये कहीं ना कहीं से धोखा है। क्योंकि आप देखिएगा, जब आंकड़े उठाकर देखिएगा तो बिहार के अधिकांश स्कूल में मिड डे मील योजना में जो भोजन मिलता है वो बच्चों को नहीं मिल रहा है, और सरकार ये दावे करती है कि हम हर तरफ न्याय के साथ, करप्शन के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। तो जो सरकार बच्चों का भोजन खा जाती है वैसी सरकार करप्शन पे भाषण देती है, ये बड़ा आश्चर्यप्रद लगता है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि बिहार में मिड डे मील योजना के जो घोटाला हो रहा है उसकी सीबीआई इंक्वायरी कराए और पता करे कि बच्चों का निवाला सरकार के किन किन अधिकारियों ने, किन किन विधायकों ने और किन किन मंत्रियों ने खाया है।